लॉजिस्टिक्स एज अ स्पेस ने वैसे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिटर्न्स दी है, वो तो एबरेशंस अलग अपनी जगह, पर हम लोग की वो इस ग्रुप के सीईओ के साथ बातचीत हो रही थी, वो बड़े बुलिश है लॉजिस्टिक स्पेस पे, भाई इंडिया बढ़ना है तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, और वो इस धंधे को लेकर बुलिश है, पर ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, मेरे पास तो 100-125 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? देखिए आपने सही कहा कि लॉजिस्टिक एज ए स्पेस हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि सही कहा, इंडिया बढ़ना है तो लॉजिस्टिक बढ़ना है, और जिस तरीके से ई कॉम और ऑटो इन सब के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है लॉजिस्टिक बेहतर करेगा। पहली तिमाही के नतीजे खराब आए थे, ऑपरेशनली थोड़ी दिक्कत थी, टैक्स आउटगो ज्यादा हो गया था, इससे बॉटम लाइन में भी दिक्कत आई थी, लेकिन इस वक्त मैं इन्हें बढ़ने लेने की सलाह दूंगा। हमारा जो अनुमान है इस स्टॉक में, जो टारगेट्स हैं, वो 450 रुपए के हैं आने वाले 6 महीने में, तो मैं यही कहूंगा कि बनी रहें, 450 के आसपास जब आता है तो उस समय निकल जाए। हाँ, तो आपको एग्जिट मिल जाएगा हायर लेवल्स पे। डॉक्टर रीता, अगला सवाल मैम। सर मेरा अगला है प्राज इंडस्ट्री, और